Okay, in this session I will discuss about example of simple if statement. ठीक है, इसका एक example बताता हूँ. जैसे एक program है आपके पास, write a program to display salary of employee, display salary of employee, but if entered salary will be less than 10,000, then 500 extra amount will be added in salary. Otherwise, same salary will be displayed. ये एक प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम को पहले आपको समझना है कि इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा पर्टिकुलर आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से सैलरी पूछना है. जो भी सैलरी वो एंटर करता है, यदि उस सैलरी का जो रेंज है वो 10,000 से कम है, तो जो भी सैलरी आपको डिस्प्ले होकर आएगी उसमें 500 का क्या रहेगा, प्लस रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी 5,000 है, तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट 5,500 आना चाहिए. लेकिन यदि किसी की सैलरी 11,000 है, तो उसकी सैलरी 11,000 ही आना चाहिए. किसी की सैलरी 12,000 है, तो 12,000 ही आना चाहिए. ये प्रोग्राम हमें बनाना है. तो इस प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे ऑप्टिमाइज लॉजिक जो इस प्रोग्राम का बनेगा, दैट विल बी मैनेज्ड बाय सिंपल इफ स्टेटमेंट. ठीक है, ऐसे प्रोग्राम को आप सिंपल इफ से बना सकते हो ऑप्टिमाइज वे में. देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम प्रैक्टिकली अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लास लेता हूँ यूजिंग सिस्टम. ये नेम स्पेस होता है, ये कंपलसरी होता है, आपको सी शार्प के प्रोग्राम में लिखना ही रहेगा. सैलरी कैलसी करके मैंने एक क्लास बनाया. इस क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक वॉइड मेन, एक एंट्री पॉइंट मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे दे दिया इंट सेल. आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई. आई विल मैनेज सेल इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन. एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, सैल इक्वल्स टू इंट डॉट पास कंसोल डॉट रीड लाइन. अब मैंने यहां पे कंडीशन लगाया, इफ सैलरी लेस देन 10,000, सैल इक्वल्स टू सेल प्लस 500. बस मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि सैलरी लेस देन 10,000 है, लेस देन या इक्वल टू भी कर सकते हो. ये जब आपके यूज केस में देख सकते हो, सैलरी विल बी लेस देन लिखा है, तो सिर्फ आपको लेस देन लगा. ठीक है, जैसा आपका यूज केस होगा, जैसा आपका प्रोग्राम होगा, उसी के थ्रू आपको प्रोग्रामिंग करनी है. नाउ आई कैन डिस्प्ले द सैलरी. अब मुझे देखो, मैं यहाँ पे सैलरी डिस्प्ले कहाँ पे कर रहा हूँ, इफ के स्टेटमेंट के बाहर, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि बाय डिफॉल्ट जो आपका इफ स्टेटमेंट है वो एक सिंगल स्टेटमेंट ही लेता है, यदि आप ब्रेकेट नहीं लगाते. आफ्टर दैट आई विल राइट हियर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैंने दे दिया सैलरी इज. ठीक है, आप यहाँ पर प्लेस होल्डर से भी लगा सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो सैलरी इज प्लस सेल. तो प्लस सेल मतलब इसने क्या किया, कॉन्केटिनेशन कर. ठीक है, अब ये प्रोग्राम को मुझे सेव करना है. मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया. द लोकेशन विल बी डी ड्राइव के अंदर गया, मैं CS11 के अंदर गया. यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया. प्रोग्राम का नाम है सैलरी कैलसी. तो मैंने यहाँ पे दे दिया सैलरी कैलसी डॉट CS. दिस इज द प्रोग्राम. अब मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है. आई विल गो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, डी ड्राइव CD CS11, आफ्टर दैट CSC, और यहां पे जाएगा सैलरी कैलसी डॉट CS. आफ्टर दैट ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, सैलरी कैलसी डॉट EXE. मैंने यहां पे एग्जीक्यूट किया एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, मैंने दे दिया इसमें 12,000. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं, सैलरी इज 12,000 आपको एज इट इज प्रिंट करके दे रहा है. अब मैंने यहाँ पे दे दिया सैलरी कैलसी डॉट EXE, और मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करने के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे 5,000. जैसे मैंने 5,000 एंटर किया, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी कितना बता दिया, सैलरी इज 5,500. इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट. ठीक है, तो इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक सिंपल इफ स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम बना सकते हैं.
ठीक है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के तरीके और बहुत सारे हैं, जैसे आप इफ एल्स भी बना सकते हो, लेकिन अननेसेसरी स्टेटमेंट यूज नहीं करना है। प्रोग्राम बनाने के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, कम से कम कोड में प्रोग्राम बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा कोड में प्रोग्राम बनाना। यदि आप कम से कम प्रोग्राम कोड में प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। ओके, तो इस सेशन में मैंने ये डिस्क्राइब किया। थैंक्स फॉर दिस सेशन।